चाहे जाना है मसीदा है तो हमारे सर से मिले अल्लाह फारूक अब्दुल्लाह ने बेहतरीन तरीके से दुआ कर अल्लाह रफल करने की कोशिश हमारे और यहाँ के लोगों में रफल करने अल्लाह रखा है। अब इंशाअल्लाह इसलिए कि सिर्फ हेरे बेटे पाक की नई ग्राम से कोई काम कर निकल जाए फिर हजरत वीर भी अल्लाह अपने आबाद को करे तो हमें कोई काम निकल जाए हमारा आगे सुकून है लेकिन हमें सिर्फ दस मिनट बोलना है वक्त को इसलिए कि वक्त मेन है वक्त के साथ काम करना है इसलिए कि माइंड भी ऐसा है जब इंसान शुरू हो जाए ब्रेक नहीं लगे इसलिए ब्रेक लगानी है सिर्फ दस मिनट बोलना है क्या बापू ने पांच मिनट कहा लेकिन दस मिनट बोलना है इंशाल्लाह इलाज करना है इंशाल्लाह हाफिज वालिया मस्जिद के खतीब इमाम हमारे हाफिज सुन सिर्फ दस मिनट तक करेंगे नारे तकबीर नारे उनके खलीफा नूर मोहम्मद साहब किल्ला थे मौलाना मस्त ने
कहो सुभानअल्लाह। अब हजरत इस्माइल इन्हीं के अब्बा हुजूर आज जिनके मजलिस रखी है अब्बा उनकी बात कर रहा हूँ, मौला अपने का जिक्र किया था, इसलिए सारे का निगाह है वली में वो ताकत देखी, बदल की हजारों की तकदीर देखी, दर उससे वली ने अल्लाह मैंने पूरी किताब लिखी जाकर के इलाज के वजह से तमाम ये बातें हैं, लेकिन बताना ये है कि फिर क्या हुआ बसारत थी, ये इल्म गेट है आला किसी को रखकर के और कोई गेट क्या तुमसे दिया हो बला जब खुदा ही ना छुपा तुम बेहतर हो कहो सुभान अल्लाह। अरे सुभान अल्लाह बोलने पर अल्लाह ने मुझे दुनिया आता हमारा है और जन्नत में दर्द देना हमारा है और जमीन आकर इतनी खाली कर रहा है कि आता हमारा है उस्मान के नाम पे भी तो सुभान अल्लाह। अब मौलाना मस्त को किसने भेजा ये सुनो, एक कलंदर हमारे आए हैं पीले कली तक मिठू में बापू वहां के काजी रसी है और काजी में आला है मनुषा बाबा के थे मनुषा बाबा कलंदर, एक कलंदर यहां भी है लेकिन मौलाना मस्त रहमतुल्लाह ताला ने अपने पीरों को सच मेरे बीजा कलंदर की बात करने बैठे हुए और अल्लाह का जिक्र मौलाना मस्त आकर बैठ के अल्लाह का जिक्र करते, लेकिन मेरे बीजा कलंदर ने आंख खोली और कहा बेटे मौलाना मस्त हे कहां हैदराबाद में, कहां से हैदराबाद में आंख खोल के बता रहे हैं मौलाना मस्त रहमतुल्लाह ताला, तुम्हें जानना पर जानना है कि हजरत आपका काम छोड़ के नहीं जाना चाहता, इसलिए कि पीर का केला देखना इबादत है, कहो सुभान अल्लाह। पीर का केला देखना इबादत है और आलिम का केला देखना इबादत है, यहाँ तो आलिम ही आलिम पीर ही पीर किसका भी कर सकता है, हर एक तालीम के काबिल है, हर एक सवाल से हर एक जितना भी बोला सबको हक के लिए जाने का मौका आता है और सबको हानि करना है, तो जितनी आए अल्लाह एक कदम करके सारी उम्र भर कर जाता है। अब कहा कि बात यह है कि तुम्हें जाना पड़ा, आपको किसने हुक्म दिया कहो से आगे देखा कहो सुभान अल्लाह, वो बात की निकाह जानवर तुम पर भी है, हैं? वो बात की निकाह देती है वो बात कहते वही मेरा जिक्र जो बेटा कहो सुभान अल्लाह, मगर मैं मेरे वो बात की मेरा नाम नहीं आवा फिर मैं उनका जिक्र कर रहा हाँ वो बात के, लेकिन दस अली आदम ने फरमाया तो कहा पीरों के पी दोस्त भी दोस्त आदम ने फरमाया था हाँ तो कहा गोश बाप ने किसको फरमाया गोश बाप ने किसको कहा गोश बाप ने कहा गोश बाप ने मौला अली से फरमाया बहुत सुभान अल्लाह, मौला अली ने कहा गोश आदम मौला नमक को दाम में बैठे थे बहुत सुभान अल्लाह, वो अली आदम जिसका केला देखना नहीं पाता वो अली आदम जिसका फिक्र करना नहीं पाता वो अली आदम है जो अली अली में वली बन जाए वो अली आदम अली मुझसे है कहो सुभान अल्लाह, अली का कुल मेरा कुल एक है और मेरे भय और अली एक नौ से बेटा हो आज उसी को अक्सर के तेरी नस्ल पाक में है, बच्चा बच्चा नूर का तेरी नस्ल पाक में है, बच्चा बच्चा नूर का तू है नूर है मेरा सम्राट नूर का कहो सुभान अल्लाह, पनी जरूर से बंदा होना सके ना अब थोड़े थोड़े करीब आ जाने इन शाला आजा ना कहते चाले तो अल्लाह का वली होता है हाँ करीब आ जाइए करीब आ जाइए दरुस्तरी बनी दिया अल्लाह और मसले का सुनना मुझे अब मेन बात है इसलिए कि पीर साहब ने कहा थोड़ी देर और करो ताकि पता चले कि हेले के बाप का जिक्र तो कुरान में है, हेले के बाप का जिक्र कुरान में है, ये भी हेले के बाप का जिक्र मैं कर रहा हूं आप सुन रहे हैं कुछ नसीब ही हमारी, लेकिन मौलाना मस्त रहमतुल्लाह ताला ने जामनगर में आए थे क्या जामनगर में आए और फिर बताना ये है कि गौस मौला अली मुस्लिम गुसाने को दिया गौस पाक को गौस पाक ने हुक्म दिया उनके पीरों को सिर पे लिया और पहले पीछे पर खोया यहां अभी चिश्तिया कराना क्या चिश्तिया कराना है
मौलाना मस्त यहाँ आए और बसारत थी, लेकिन फिर आया 28 साल में इस्माइल में हुए रहमतुल्लाह ताला ने, तो उनकी बेन उनकी बुकियां बेन उठाई है उनको इस्माइल में रहमतुल्लाह ताला को, तो अचानक मौलाना मस्त फिर आए, क्या मस्त है फिर आए, देखा कजरा बेटी और उनकी बहन थी अटल थकिया थकिया बीवी, उनके पास से इस वर्ण को उठाकर सीने से लगाया, सब सुखा